कायस्थ विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार ने एक निजी लॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कायस्थ विकास परिषद सदैव राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर देश हित में अपना योगदान दे रहा है तथा समाज के सभी क्षेत्रों में कायस्थ विकास परिषद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु पिछले कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों ने कायस्थ समाज को हाशिए पर रखा है। समाज का खुला समर्थन लेने वाली पार्टी ने सिर्फ सरकार अपितु संगठन से भी कायस्थों को दूर रखा है, जो कि समाज के लिए चिंता का विषय है। 26 मार्च रविवार को एक विशाल कायस्थ स्वाभिमान रैली सुबह 9 बजे जेपी चौक असुरन से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया जाएगा, जो कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री चौक पर पहुंचकर शास्त्री प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 11 बजे गोरखपुर क्लब पहुंचेगी, जहां पर महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार, अतुल श्रीवास्तव, युवा मार्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्तमान श्रीवास्तव ने कहा, इसको विचारों का भेद है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, वो उनका जो नेतृत्व है, उनकी जो विचारधारा, वो उस विचारधारा से ग्रसित होकर कार्य कर रहे हैं। कौन कौन अपने विचारधारा से कार्य कर रहे हैं? कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले से लोग आ रहे हैं, और महानगर तो है ही है, और अन्य कई राज्यों से हमारे कुछ प्रतिनिधि आ रहे हैं। 12 राज्यों में हमारी मतलब इकाई है, हमारी शाखा, हमारा संगठन इस समय 12 राज्यों में काम कर रहा है। तो 12 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो मुख्य वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा भागीदारी इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, लखनऊ की है, इलाहाबाद की है, बनारस की है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि कायस्थ समाज जिस तरह से आगे भी नेतृत्व करता रहा है, बीच में मनभेद कहिए, विचार कहिए, जो कुछ कहिए, क्या लग रहा है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव या 2024 में चुनाव में किस तरह से कायस्थ समाज अपनी पकड़ बनाएगा और किस तरह से अपने आप को स्थापित करेगा? कायस्थ समाज कल भी नेतृत्व कर रहा था, कायस्थ समाज आज भी नेतृत्व कर रहा है। मनभेद मतभेद कुछ नहीं है, बस ये है कि हम चूंकि शिक्षित समाज से आते हैं, इसलिए हम उस तरह से सड़कों पर आके, चूंकि हमारा एक संस्कार है, हमें विरासत संस्कार में मिली है, तो हम संस्कारिक तरीके से अपने कार्य को करते हैं, और हम अपनी लड़ाई जिस राष्ट्रवादी संगठनों के साथ हम हमेशा उसके साथ रहे हैं, हमारी लड़ाई भी उन्हीं से होगी। परिवार में अगर कोई अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आदमी परिवार नहीं छोड़ देता है। हम लोग सदैव राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और राष्ट्रवादी पार्टी के बीच में ही हम अपना हक ले के रहेंगे। विस्तार है, मैं चित्रगुप्त सभा का पूर्व अध्यक्ष रहा और कायस्थ विकास परिषद का संरक्षण रहा और लगातार बना आ रहा हूँ। हमको कायस्थों को एकजुट करना है और जुट करके ये दिखाना है अपना ताकत कि हम लोग एक हैं, और वहाँ प्रतिमा पर उनके जयप्रकाश नारायण माल्यार्पण करेंगे, वहाँ से धीरे धीरे जुलूस के फार्म में यहाँ आके यहाँ एक बृहद महासम्मेलन करना है। वास्तव राष्ट्रीय रेलवे प्रकोष्ठ कायस्थ विकास परिषद, जो कल स्वाभिमान रैली कायस्थ विकास परिषद द्वारा संचालित है अन्य समितियों के सहयोग से, यह एक नज़ीर बनने जा रही है। भारतवर्ष में युवा राजनीति करवट ले रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक गण ने 90 के दशक में जब देश कमंडल और मंडल की राजनीति से प्रेरित हो रहा था, तो एक परिषद की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कायस्थ समाज के साथ साथ अन्य स्वार में जागरूकता लाना था। वर्तमान परिवेश में कायस्थ विकास परिषद सदैव युवाओं की भागीदारी को प्रेरित करता है, चाहे वह छात्र संघ स्तर पे हो, नगर पालिका स्तर पे हो, सांसद स्तर पे, परंतु मेन उद्देश्य है कि समाज में कायस्थवाद में राजनीतिक जागरूकता रहे। यह विवेकानंद का समाज है, राजेंद्र बाबू का समाज है, लेकिन वर्तमान परिवेश में भी हमारे युवा अत्यंत सक्रिय हैं, और उन सक्रिय युवाओं को एक दिशा देने के लिए कल का यह पूर्वांचल ये सम्मेलन एक नज़ीर प्रस्तुत करेगा। और सभी राजनीतिक दलों को, किसी राजनीतिक विशेष के लिए नहीं हो रहा है, यह सभी राजनीतिक दलों को एक आग्रह भी है, एक चेतावनी भी है, और एक यह
मापदंड भी है कि कायस का युवा बिक चुका है और भारत युवाओं का देश, विवेकानंद का देश है, और उनसे प्रेरणा लेके बाबा गोरक्ष की नगरी जो अलग कल जगेगी उसका परिणाम स्वयं आपके साथ, तो राजनैतिक ईमानदारी, सामाजिक जागरूकता और समरसता के साथ कायस का युवा एक नई दिशा रखेगा। आप सभी नगरवासियों से आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है, कल आप स्वयं आए, अपनी सहभागिता करें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ईमानदार समाज राजनीति में कैसे, किस रूप में नई करवट ले रहा है।